नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मैं नामिका। कोरोना की त्रासदी सब तरफ मची हुई है और इस त्रासदी के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ये जो बड़ी खबर है वो पटना एम्स से आ रही है। पटना एम्स की सारी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई है। एम्स के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि अब यहाँ पर पटना एम्स में दूसरे हॉस्पिटल से रेफर किए गए कोविड पेशेंट को ही एडमिट किया जाएगा, बाकी लोगों का इलाज या फिर एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। आपको बता दें कि कोविड पेशेंट के जो अटेंडेंट उनके साथ आएंगे उनकी भी एंट्री सिर्फ गेट नंबर 1 तक ही हो सकेगी, उसके आगे वो नहीं जा पाएंगे। प्रबंधन के अनुसार एम्स में चलाए जा रहे फ्लू जांच सेंटर को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अब सिर्फ दूसरे हॉस्पिटल के रेफर किए गए कोविड पेशेंट की को ही वहां पर एडमिट किया जाएगा। आपको बता दें कि एम्स की ओपीडी सेवा जो है वो 22 मार्च से ही बंद कर दी गई थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हॉस्पिटल में कोविड 19 की जांच और फ्लू जांच सेंटर ये सब कुछ बनाया गया था, जहां पर जो भी संदिग्ध मरीज आते थे कोविड के उनको उनकी जांच की जाती थी, फिर जब वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते थे तो फिर उनको एडमिट करके उनका इलाज भी वहां किया जाता था। लेकिन अब ये सारी की सारी सेवाएं जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं और अब सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जो मरीज रेफर किए गए जो मरीज होंगे सिर्फ उनको ही एडमिट किया जाएगा और उनका ही इलाज होगा। और जो रेफर किए गए मरीज हैं उनको प्रॉपर कागजात के साथ में जाना होगा, कागजात देखने के बाद ही वहां पर उनकी उनका इलाज किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और फिर आपको बता दें कि कागजात के साथ आना होगा और उसी के आधार पर बेड खाली रहने पर ही उनका इलाज हो पाएगा। तो फिलहाल पटना एम्स का जो ये बड़ा डिसीजन है वो देखने वाली बात है कि किस आधार पर मरीजों को कहां तक किस हद तक मदद मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।